नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वन मोर एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे एक खास चीज लेके आया हूं और आपको बताना चाहता हूं। यहां पे आज हम टेस्ट करने वाले हैं सऊदी अरब की जो चॉकलेट है उनको और साथ में अपनी जो इंडियन चॉकलेट है उनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा पास से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये जो साइड में है ये है सऊदी अरब की चॉकलेट, यहाँ पे गैलेक्सी है और साथ में बी मोल कर गया है। और आपको बताना चाहता हूँ ये पता नहीं क्या लिख रहा है, रागोसा कुछ करके लिख रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो ओलिविया कुछ इस तरीके की ये है सऊदी अरब की चॉकलेट। और साथ में ये जो है हमारी आप जानते होंगे मंच है, साथ में डेरी मिल्क है और साथ में फाइव स्टार और मिल्की बार। मैं इन चीज़ों को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये जो चॉकलेट है कुछ ना कुछ कुछ हद तक यहाँ पे ये चॉकलेट मैच करती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे गैलेक्सी है, मेरा ऐसा मानना था कि ये यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ मिल्की बार जैसी होगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिल्की बार से कंपेरिजन करने के लिए लेकर आ गया। और साथ में देख सकते हो मंच है, डेरी मिल्क है, तो हो सकता है इनके अंदर डेरी मिल्क जैसा टेस्ट हो। और साथ में ये टॉफ़ी है तो हमारे पास भी फाइव स्टार जैसी टॉफी है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा। चलिए दोस्तों हम करते हैं इंट्रो की तैयारी और आप लोग वीडियो का मजा। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो गैलेक्सी यहाँ पे लिखा हुआ है इस गैलेक्सी को टेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा कैमरामैन से बोलता हूँ पास आ जाएंगे। और देख सकते हो कुछ इस तरीके का, हाँ यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। देख सकते हो इसके अंदर कुछ ऐसे स्लॉट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 चॉकलेट हैं यहाँ पे। इसको ओपन करता हूँ कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। और इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है और एक यहाँ पे जो स्लॉट है यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको आपको ओपन कर दे रहा हूँ। यार सऊदी अरब की चॉकलेट देख सकते हो आप किस तरीके से पैकिंग की हुई है। और यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर लिया और आप देख सकते हो कैसी यहाँ पे ये जो है टॉफ़ी है, चॉकलेट है, च्युइंग गम है, पता नहीं क्या है। और इस तरीके से ये यहाँ पर मिली है और इसको मैं करने वाला हूँ टेस्ट। सच बताऊं यार ये च्युइंग गम है भाई, ये है च्युइंग गम। यार जिसको हम टॉफ़ी समझ रहे थे, अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, कुछ उर्दू में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कुछ ऐसा वाटरमेलन, यानी कि टेस्ट तो पूरा तरबूज वाला आ रहा है। और यहाँ पे जो ये लिख रहा था उसके चक्कर में हम इसको पढ़ नहीं पाए क्योंकि यार वहाँ की लैंग्वेज है। और ये निकल गई यहाँ पर च्युइंग गम, देख सकते हो पूरा च्युइंग गम है। तो इसको थूकते हैं और इसके बदले में हम अपनी करते हैं अब मिल्की बार टेस्ट। थोड़ा वाटरमेलन का टेस्ट आ रहा था, अब इसको चेक करते हैं। तो इसको यहाँ पे फाड़ते हैं और आप देख सकते हो इंडियन चॉकलेट है। और देखिए यहाँ पे ये भी बिल्कुल सफ़ेद निकली है जैसे कि वो हमारी च्युइंग गम निकली थी। और इसको करते हैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और यहाँ देख सकते हो मज़ा आ गया यार, मिल्की बार चॉकलेट वर्सेस गैलेक्सी। ये च्युइंग गम निकल आई लेकिन ये भी खाया, इसका टेस्ट थोड़ा दूध का जैसा और ये वाटरमेलन च्युइंग गम। तो इसको डालते हैं डिब्बे में, अब करते हैं इनकी तैयारी। दोनों ब्लैक ब्लैक सी दिख रही हैं तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ओ हो ये है दुबई की कुछ इस तरीके की चॉकलेट। और इसको तोड़ के देखते हैं, थोड़ा सा टूटेगी तो नहीं, मेल्ट हो गई। अंदर दिखा देता हूँ क्या है इसके, देख सकते हो ऐसी क्रीम भरी हुई है। और इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे, माइंड ब्लोइंग यार, मज़ा आ गया इसको खा के। बहुत फैंसी और बढ़िया चॉकलेट है, बहुत बढ़िया। इसके चक्कर में अब अपनी ये फाइव स्टार टेस्ट करते हैं, देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके की ब्लैक है अंदर से, जिस तरीके की ये ब्लैक थी और इसके अंदर निकला था वाइट क्रीम। इसके अंदर देखते हैं किस तरीके की क्रीम निकलती है, आप देख सकते हो
इसके अंदर है ब्लैक कलर की चॉकलेट भरी हुई है, ये देख सकते हो यहाँ पे। ये थोड़ी क्या है, ज़्यादा इसको पका के बनाया गया था, थोड़ी हल्की कॉफ़ी टाइप की सी महक आ रही है, मतलब टेस्ट आ रहा है। और ये भी ठीक थी, दोनों ठीक हैं, लेकिन मैं अपना ज़्यादा अगर रिव्यू देना चाहूँ तो अपनी जो 5 स्टार है ना, एक नंबर। अब हम टेस्ट करते हैं, ये भी कुछ इस तरीके की होगी, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके की है। ये भी सेम है, इसको भी अगर फाड़ के देखें थोड़ा यहाँ पे, तो देख सकते हो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, वही क्रीम है यहाँ पे, थोड़ी सी थोड़ी, देखिए अंदर कुछ नहीं है इसके, बस यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगाई गई है। इसको थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ यहाँ पे, मैं ज़्यादा वाला बड़ा वाला पीस लेता हूँ। इसके अंदर पता है जैसा चीनी होते हैं ना, कट कट कट, तो उस तरीके से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो यहाँ पे चबाने में आ रहे हैं। और जबकि मैंने 5 स्टार टेस्ट की थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके बदले में हम इसको कंपेयर करेंगे डेयरी मिल्क फाड़ते हैं अपनी। यार इसकी तो पैकिंग भी बड़ी मजबूत है, अब फटी है देख सकते हो, ये है अपनी डेयरी मिल्क, ये रही। तो डेयरी मिल्क टेस्ट करते हैं यहाँ पे, ये इतना एक नंबर। तो सऊदी की जो चॉकलेट है साइड रख दीजिए, ये अपनी टेस्टी है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये बचपन से खाई हैं, या इसलिए अच्छी लग रही है, बल्कि ये भी अपने आप में ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी है। अब करते हैं हम ये बीमोल की टी स्ट्रीट, 7th स्ट्रीट, हाँ लिख रहा है 7th स्ट्रीट और बीमोल। तो इसको ओपन करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये भी क्या है, अपनी चॉकलेट है, इसके अंदर देखते हैं किस तरीके का निकलता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ फ्लेवर है नहीं, इसको टेस्ट करते हैं। यार ये अल्टीमेट है भाई, ये बीमोल की मस्त लगी एकदम, सारी खाने वाला हूँ इसको। और इसके साथ में अगर मैं डेयरी मिल्क को कंपेयर करूँ तो बीमोल बेस्ट है, डेयरी मिल्क भी बेस्ट है। साथ में हमने ये चारों टेस्ट कर लिए, और देख सकते हो यहाँ पे जो मंच है, मंच को भी लास्ट में टेस्ट कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर देख सकते हो इस तरीके की अंदर ये निकली है, और गुड। बस सऊदी की जो चॉकलेट थी तो उसमें बीमोल जो थी वो थोड़ी अल्टीमेट बढ़िया थी, और वो जो शुरू में मैंने टेस्ट की थी वो वाटरमेलन वाली, वो बढ़िया थी। बाकी अपनी इंडियन चॉकलेट इज़ द बेस्ट। एंड ये वीडियो भी अगर आपको लगती है बेस्ट तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा। चलिए दोस्तों हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कुछ नया करते हुए, मैं करता हूँ इन सारी चॉकलेट को ख़त्म और साथ में देता हूँ कैमरामैन को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।